इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन्स से। अभी तो उनके पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। आईटी सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि आईटी के जो उनके लड़के हैं, जो लड़कियाँ वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो यानी वो मार्केट की नज़र वो इंडिया की मार्केट के ऊपर है। अगर आप मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं दुबई में, जी जी, तो वहाँ पे होगी चीज़ पाकिस्तानी, लेकिन वो रीपैक होके इंडियन नाम से बिकती है। हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हटके, क्योंकि आजकल का जो दौर है, अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट के हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें। इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ें, कम से कम हम इस काबिल तो हो जाएं कि उनसे ना लें। इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल, इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं। 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती इन द वर्ल्ड। उस वक्त भी हमें यकीन था जब वो ये कह रहे थे, तो मुझे उस वक्त भी यकीन था ये गलत कह रहे हैं, और आपने उसको कन्फ्रंट भी किया था, बल्कि आपका तो मुंह लाल हो गया था। इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन्स से। अभी तो उनके पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। आईटी सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि आईटी के जो उनके लड़के हैं, जो लड़कियाँ वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो यानी वो मार्केट की नज़र वो इंडिया की मार्केट के ऊपर है। अगर आप मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं दुबई में, जी जी, तो वहाँ पे होगी चीज़ पाकिस्तानी, लेकिन वो रीपैक होके इंडियन नाम से बिकती है। हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हटके, क्योंकि आजकल का जो दौर है, अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट के हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें। इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ें, कम से कम हम इस काबिल तो हो जाएं कि उनसे ना लें। इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल, इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं। 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती इन द वर्ल्ड। उस वक्त भी हमें यकीन था जब वो ये कह रहे थे, तो मुझे उस वक्त भी यकीन था ये गलत कह रहे हैं, और आपने उसको कन्फ्रंट भी किया था, बल्कि आपका तो मुंह लाल हो गया था। फॉर एग्जाम्पल कौन सी चीज़? राइस बहुत। उसकी क्या रीजन है? मतलब रीजन यही है, जाहिर सी बात है, हम लोगों ने ऐसा इमेज बना दिया है कि मतलब कि हमें पाकिस्तान का जहाँ नाम आ जाए ना, तो लोग यही समझते हैं कि शायद यार इसमें दो नंबर ही है। उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था, बेशक उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना था। दौरा करना, ठीक है। और जब फॉरेन ऑफिस को यह पता चला, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पता चला कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो भागे भागे इमरान खान के पास गए, उनसे पूछा कि आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे वो बताया था, बाजवा साहब और फैज साहब आए थे, कि बातचीत उनकी चल रही है अजीत डोवल के साथ, लेकिन वो आ रहा है ये मुझे नहीं पता। ड्रैगन फ्रूट एक फ्रूट है, पूरी वर्ल्ड में 7 मुल्कों में पैदा हो रहा है। मैं पिछले 6 साल से उस पर काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियाँ, तमाम बड़े फार्मर्स मुझसे पूछते हैं रेट क्या है ड्रैगन फ्रूट का। ड्रैगन फ्रूट का रेट इस साल 2500 रुपए केजी था मार्केट में, लोकल मार्केट। इम्पोर्टेड पीस एक दाना 2700 रुपए का जो है DHM में लगा हुआ है आज भी। एक टाइम था जो पाकिस्तान जो है वो अपने इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, खुद अपनी चीज़ें बनाता था। आजकल तो देखो तो पाकिस्तान हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी हमारे वेपन्स है वो सारे इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे ममालिक के साथ उनकी वो होती है। और इंडिया उस टाइम मैं उनके न्यूज़ चैनल पर बैठ के सुनता था, वो लोग कहते थे कि यार हम पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान मतलब हर वेपन जो है खुद क्रिएट कर रहे हैं, लाइक आर्टिलरीज है या ये दूसरे हैं, सही है, और हम इंडिया वाले यहाँ पर बैठ के मतलब हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं। आज वो जो है वो इंपोर्ट तो छोड़े, अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यूके गया था, ठीक है लंदन में, उधर पाकिस्तानी जो उनसे प्रोडक्ट थी ना, वो मैंने देखी, सिंधी प्रोडक्ट थी, ठीक है वो भी राजस्थानी के नाम से मिल रही थी, इंडिया के नाम से मिल। यहाँ पे हम दुश्मनी और यहाँ पे हम नफरतें रखते हैं नेबर कंट्री से, लेकिन फॉरेन कंट्री में जाके बिजनेस करते हैं उनके नाम पे। मतलब ये भी बात समझ से बाहर है ना कि उनके नाम पे हम बिजनेस, हम चाइना का नाम क्यों नहीं लिख लेते? एक तो उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी मजबूत है, अच्छा, और जो है ना वहाँ पे जो कॉस्ट है ना चीजों की, ठीक हो गया, वो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कंपनीज को। मैंने अपनी लाइफ की पीक में
इंटरनेशनल मार्केट से जॉब रिजाइन करके पाकिस्तान आ गया। जबरदस्त। 47 ईयर्स एज पे आके मुझे अफसोस हो रहा है कि यहाँ पे रह के बेईमानी ना करो, दो नंबर काम ना करो, ईमानदारी से रिस्क कमाना मुश्किल कर दिया गया है। इस टाइम अगर बात करें एशिया की टाइगर की, तो एशिया का टाइगर कौन है भजन? एशिया का टाइगर फिलहाल तो मुझे जो अब नजर आ रहा है ना, आने वाले दिनों में जो मुस्लिम कंट्रीज में, वो अफगानिस्तान होगा। अच्छा, लेकिन अभी फिलहाल तो इंडिया जा रहा है। इंडिया जा रहा है। तो उसके बाद इमरान खान ने फैज साहब को कहा कि भाई आप फॉरेन ऑफिस को तो ऑन बोर्ड लें। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफ़ा आपके और मेरे सामने भी दिया था, याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। हमने हमेशा ये इस्लामी कल्चर और इस्लामी ममालिक की बात कर कर के हम आइसोलेट हो गए। हमें ये लगता था कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर ही तमाम ममालिक हमें अपना लेंगे, लेकिन पोटेंशियली तौर पर हमने कुछ किया नहीं है, कोई ऐसा पोटेंशियल हमने ऐसा प्रेजेंट नहीं किया कि वो हमें वो पोटेंशियल देखकर, वो हमारी एक्सपोर्ट्स देखकर, वो हमारी ग्रोथ देखकर, ऐसी हम झूठ नहीं बोलेंगे। लेट्स सपोज आप मतलब बिजनेसमैन है, कपड़े का बिजनेस करते हैं, आप बांग्लादेश में होते या इंडिया की बात करते हैं, आप इंडिया में होते बिजनेस कर रहे होते, ज्यादा आगे बढ़ पाते या यहाँ पे ज्यादा आगे बढ़ पा रहे? यही बताया गया कि इंडिया और पाकिस्तान दो ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी आपस में लड़ाई इस वजह से रहती है कि दूसरे कंट्रीज अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया और पाकिस्तान को सेल करते हैं, लेकिन अब खबर के मुताबिक